खुशबू की दीवार के पीछे का ये दीवाचा है जो आपकी हुक्म के तहत मैं अर्ज कर देता हूँ। इसका अनुवाद मैंने लिखा है बोल मिट्टी दिया बाव्या। कहने को कहा जा सकता है कि जिंदगी एक सिसकी से शुरू होती है और हिचकी पर तमाम हो जाती है, मगर किसकी सिसकी, औरत की और कब की हिचकी दमे वापसी पर। जिंदगी को आगाज देने वाली सिसकियां तो लज्जत के लम्हे निगल जाते हैं, गोया ये उस सतह का वजूदी तजर्बा न हुआ जो जिंदगी की तफहीम हो सके। रहा आखिरी हिचकी का तजर्बा, ये यकीनी सही मगर इसका जायका जो भी चख लेता है वह इसकी बाबत कुछ बताने के लायक ही कहाँ रहता है। और हाँ, ये जो सिसकी और हिचकी के बीच सोते जागते में गुजर गई, सोते में ज्यादा जागते में कम, अगर ये जिंदगी नहीं है तो फिर और क्या है। जो जागकर गुजारी, मान लिया कि वो जिंदगी है, मगर वो जो ख्वाबीदा गुजर गई क्या वो भी जिंदगी है। अच्छा, इस जाग जाकर गुजारी गई जिंदगी का मामला भी कुछ टेढ़ा है कि इसका बहुत सा हिस्सा मेरी याददाश्त से मिनहा हो गया है। कह लीजिए ये वाला हिस्सा तो मौत जैसा है, तब नहीं जब ये मुझ पर गुजर रहा था, बल्कि अब कि जब मैं इसे अपनी याददाश्त की पोटली टटोल कर तलाश कर रहा हूँ और ये कहीं नहीं है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है जैसे उम्र का गालिब हिस्सा मेरी याददाश्त की तख्ती से मिट चुका है। गोया वो ऐसी जिंदगी थी जो मुझ पर गुजरी होगी, यकीनन गुजरी होगी, मगर वो मेरी नहीं थी। उस दौलत की तरह जो आपने कमाई मगर इससे पहले कि वो आपके तसरुफ में आती आपके हाथ से निकल गई। ये भी नहीं वो भी नहीं तो फिर बाकी बचा गया। और हाँ, जो बच गया है क्या उसे यकीन के साथ जिंदगी भी कहा जा सकता है? यकीन के साथ अगर किसी की बाबत बात की जा सकती है तो वो मौत है जी। मौत को आमने सामने रखे बगैर जिंदगी को ढंग से समझा ही नहीं जा सकता। मौत जिंदगी है और जिंदगी मौत, ये हरमन हेसे ने अपने एक अफसाने में कहा था। उसने ये भी कहा था, कोट, मौत और जिंदगी एक दूसरे की चाहत की लाफानी और बेरहम जद्दोजहद में इस तरह गुंधी हुई हैं कि इन्हें हरफ आखिर कहा जा सकता है। और फिर असल दुनिया का मफहूम यही है, दुनिया का मफहूम भी और हमारे अपने होने का मफहूम भी। मौत और जिंदगी खाली खुली दो लफ्ज नहीं, ऐसी जुड़वां बहने हैं जिनके हाथों में कायनात की मानवीयत से भरे हुए जाम छलक रहे हैं। हम चाहें ना चाहें अपने वजूद की तिशनगी इन्हीं से बुझाने पर मजबूर हैं। जिंदगी को मैंने हमेशा मौत के मुकाबले रखकर देखा है। इसकी अगर कोई मानवीयत है या कायम हो सकती है तो इसे अलग से देखने में नहीं, मौत जैसी तल्ख और यकीनी हकीकत के सामने देखने ही से मुमकिन है। मैं शायद जामपाल सार्थर की तरह मौत को अजमत का कफन न दे सकूं, मगर मैं उसकी तरह ये जान गया हूं कि मेरे पास कुछ ज्यादा वर्ष बाकी नहीं हैं। बुढ़ापा मेरे वजूद के अंदर नकब लगाकर दाखिल हो चुका है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके बावजूद मैं मौत से खौफजदा नहीं हूँ। जब वो मुझे लेने आएगी तो ये एक फितरी अमल होगा जिसके सामने मुझे सर तस्लीम खाम करना होगा, मगर ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जिंदगी और मौत दोनों को बहुत करीब से देखा है। कह लीजिए छू कर, इसके जायके को चख कर, इससे बगलगीर होकर। और मौत का मामला यह है कि ये तो मेरे साथ आंख मचोली खेलती रही है। बाईपास सर्जरी के मराहल से पहले एक दो बार और इस दौरान भी कुछ यूं हुआ कि मैं था और नहीं था, फिर होश आया तो फिराक का कहा याद आया। क्या जानिए मौत पहले क्या थी, अब मेरी हयात हो गई है। मैंने अपने वालिद साहब के बदन से उनकी रूह को यूं निकलते हुए महसूस किया था जैसे मेरे अपने बदन से रूह निकल रही हो। फिर छोटे भाई की लाश के टुकड़े देखे, यूनिवर्सिटी के जमाने में अपने दोस्तों को गोलियों से छलने होते देखा और उन्हें लाश होते हुए देखा। और मेरी बाजी जो ठीक ठाक मेरे यहाँ आई थी, अस्पताल दाखिल हुई तो उनके अपने घर मैयत गई थी। अस्पताल में उस खूबसूरत और जवान सा लड़की का मरना तो मैं भूल ही नहीं पाऊंगा जी, जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा, जो मेरे साथ उस अस्पताल में दाखिल हुई थी जहां मैं अपने गुर्दे की पथरी निकलवाने गया था। नहीं, असल वाकया ये है कि हम बेशक एक रोज अस्पताल पहुंचे थे,
मगर वो मेरे साथ नहीं अपने बूढ़े बाप के साथ दाखिल हुई थी। एक खूबसूरत जवान साल लड़की जिसने अपना गुर्दा अपने बाप को देने का फैसला किया था कि उसका बूढ़ा बाप मर रहा था, मगर हुआ ये कि बाप बेटी का गुर्दा पाकर ठीक हो गया था और बेटी मर गई थी। जिसे जिंदा रहना था वो मर गई, जो मर रहा था वो जिंदा रहा। तो यूं है कि मौत और जिंदगी की यही कहानी है। जिंदगी जिसकी हिफाजत मौत करती है एक खास लम्हे के आने तक। जिंदगी कागज के एक टुकड़े की तरह है जिसके दूसरी तरफ मौत लिखा हुआ है। जिंदगी खत्म होती है तो मौत का खौफ भी खत्म हो जाता है। मौत को मौत आती तो उसे मौत का खौफ होता। आप कागज के एक टुकड़े को चाक करते हैं तो उसके दोनों रुख चाक हो जाते हैं, वो रुख जिस पर जिंदगी लिखा हुआ है और वो रुख भी जिस पर मौत लिखा हुआ है। खैर, जो मैंने कहा यही जिंदगी को समझने का करीना नहीं है, ये तो बस एक जाविया है। इंसान बहुत खूबसूरत और हैरानकुन तख्लीकी वजूद है। इसने मौत को गुच्छा देकर अपनी तबीयत जिंदगी से ज्यादा जीने का हुनर सीख लिया है। देखा जाए तो असल इंसानी जोहर ही यही है। ये ऐसी तख्लीकी कुव्वतों का इजहार जो इस दुनिया में इंसान ही को वदियत हुई है, और इसी वसीले से वो नबातात और हैवानात की तरह खत्म होने वाली जिंदगी से अपनी जिंदगी को मुख्तलिफ कर सकता है। इसने अपनी जिंदगी को इसी वसीले से मुख्तलिफ किया भी है। मेरा और आपका मामला इसी जिंदगी से है। इस जिंदगी की कई जहतें और कई परतें हैं। यही मुझे वो मिसाल याद आती है जो टॉलस्टॉय ने पेश की थी, अगर मैं भूल नहीं रहा तो, अपने मारूफ नावल जंग और अमन में दी थी। उसका कहना यूं था कि जब फूलों पर मंडलाने वाली शहद की मक्खी किसी बच्चे को डंक मारती है तो उस बच्चे के नज़दीक उस मक्खी का काम यही डंक मारना है। एक शायर फूलों का रस पीते उस मक्खी को देखता है तो उसे अपने शेर का मौजू सूझता है। मक्खियों को पालने वाले के लिए इसका काम बस शहद इकट्ठा करना है। वहीं मौजूद एक और शख्स के लिए मक्खियों का काम अपने बच्चों के लिए गजा का एहतमाम करना और मलका मक्खी को तरोताज़ा और तवाना रखना है। आप जानते ही हैं कि मैंने एग्रीकल्चर तालीम पा रखी है और हमने पढ़ा है कि ये शहद की मक्खी ज़रे गुल एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाती है, जी नर फूल से मादा फूल के बुकचा तक, कि उसे बराबर करे। तो यूं है कि एक ज़रई माहिर के नज़दीक एक मक्खी का यही काम है। ये ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है, यगाना के लफ्ज़ों में, जैसी जिसके गुमान में आई। यगाना ने यह बात इल्म और इल्म की हकीकत के बारे में कही थी। एक सतह पर जाकर इल्म और ज़िंदगी में कोई तफरीक नहीं रहती, इसलिए यही बात ज़िंदगी और उसकी हकीकत पर भी मुंतबिक बैठती है। मौत अंजाम ज़िंदगी है, मगर लोग मरते हैं ज़िंदगी के लिए। मैं नहीं जानता ये किसका शेर है, मगर यहाँ मुझे यूं याद आया कि जिस ज़िंदगी के लिए हम मर रहे होते हैं वो हमारे बस में होती ही कहाँ है। उसे तो मुकद्दर के जन्म स्थान से निकलना और इसी की भूल भुलैयों में से होकर गुजरना होता है। ये तकदीर का लिखा होता है कि कोई किसके हाँ जन्म ले, सोने का चमचा लेकर पैदा हो या गरीब की गुदड़ी में, गोरा चिट्टा या काला कुलटा हो, जमाना कौन सा और किसकी हुक्मरानी, ईमान वाली की गोद में पले या काफिर की। कातिल डाकू चोर भी वालदैन बन जाते हैं और सूफी सनत फकीर भी। किसी की पैदाइश दो दिलों के बीच मोहब्बत की अता हो सकती है और किसी की लज़त भरे गुनाह का शाखसाना। कोई अपने सही सालम ऐज़ा और चौकस हिसियात के साथ पैदा होता है और कोई माजूर और बेबस। कह लीजिए तकदीर का ये जबर वो आंवल नाल है जिससे हर पैदा होने वाला वजूद इब्तदाई जिंदगी का रिज्क पाता है। ये आंवल नाल अगरचे पैदा होते ही वजूद से अलग करके ज़मीन में गाड़ दी जाती है, मगर बसा औकात यूँ होता है कि हमारे ज़मीन का रिज्क होने तक नादीदा रेशों के साथ वो इसी वजूद से मुंसलिक रहती है। कोई लाख जतन करे इस मदार से निकल ही नहीं पाता जिसमें उसने जन्म लिया होता है। मैंने अगर पंजाब के कदीम शहर पिंडी गेब के महल्ला मलका के घर में दो मोहब्बत करने वाले वजूदों के यहाँ जन्म लिया तो इसमें मेरा कोई कमाल न था, कुदरत मुझ पर मेहरबान थी। यह अलग बात के बाद में आने वाले हर लम्हे ने मेरी ज़िंदगी को ऐसा मकतब बना दिया था जहाँ से हर बार नया सबक मिलता। मैं ये नहीं कहता कि मैंने औरों की ज़िंदगी से कुछ नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखा है, मगर सीखने के समल में मेरी अपनी ज़िंदगी की अता ऐसी है कि इसमें कुछ न कुछ ईजाद करके उसे मुख्तलिफ करती रही है। बिल्कुल यूँ जैसे हर हमला बच्चा पैदा करने के लगभग एक से तजर्बे से गुजरती है, मगर पैदा होने वाला बच्चा हर बार मुख्तलिफ
और मुनफरिद शिनाख्त पा लेता है। दुरुस्त नादुरुस्त यही एहसास था जिसने मुझे मुड़कर अकब में देखने और इससे पहले कि सब कुछ ताकिर निसियां की नजर हो जाए उसे लिख लेने पर मायल किया। और जब लिखने बैठा तो अंदाजा हुआ कि मेरी जिंदगी के साथ कई और जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि मैं कई और जिंदगियों से तवानाई पाता रहा हूँ, उस आकाश बेल की तरह जिसकी अपनी कोई जड़ नहीं होती। हमारे प्यारे दोस्त और एक बड़े मुसन्निफ इरफान जावेद ने इस मकाम पर पहुंचकर मेरी गिरफ्त की और कहा था, यहाँ आकाश बेल की मिसाल देने में आपसे चूक हुई। हमारी अपनी जबिलत भी तो है जो हमें दूसरों से मुख्तलिफ करती है। यही इंसानी जबिलत और इंसान की जड़ है जहाँ से वो गजा पाता और अपने वजूद को अलग से क्याम और इस्तेकाम देता है। बात उनकी माकूल थी, दिल को लगी भी, मगर फिर मुझे ख्याल ने घेर लिया कि ये जबिलत भी तो किसी की अता है, अपनी है मगर अपनी नहीं। वो जो किसी शायर ने कहा था, एक मिसरा ए जिंदगी मेरी, आप चाहें तो शेर हो जाए, मेरी हयात भी सिसकी और हिचकी के बीच एक मिसरा रह जाती अगर मुझ पर खास अता ना होती, और मुझे वो सब मेहरबान न मिलते जिन्होंने मेरी जिंदगी को शेर की तरह हसीन और बामानी बना दिया है। शुक्रिया जी।